इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। पॉडकास्ट का उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है, किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन है। अब अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और मजा लीजिए आज की कहानी का, क्योंकि कहानियों का जो मजा सुनने में है वो देखने में नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहो कहानी यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी मेरे साथ। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है लखनऊ के रहने वाले राजदीप मिश्रा जी ने। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना वक्त ज़ाया किए मैं कहानी शुरू करता हूँ। मेरा नाम राजदीप है और मेरी उम्र 25 साल की है, और आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आज से लगभग 7 साल पहले की है। कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी, इसलिए मैं अपने पिताजी के साथ गांव आया हुआ था। गांव में मेरा एक दोस्त था, कुलदीप शुक्ला। बचपन में मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा ही रहता था। फिर पिताजी का ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया था तो हमें यहाँ आना पड़ा। अभी गाँव में आए हुए ही हमें 4 दिन हुए थे कि मैंने कुछ अजीब सा देखा। एक दिन रात के करीब 11 बज रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं घर की छत पर टहल रहा था। तभी मेरी नज़र घर के पास के बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसकी एक टहनी पर एक औरत बैठी हुई थी और कुछ खा रही थी। पास ही रोड लाइट थी, इसलिए मैं साफ साफ देख पा रहा था। उस औरत के शरीर में से कुछ काले धुएँ जैसा निकल रहा था। तभी उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मेरी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा देखकर तो मैं घबरा ही गया था। उसके चेहरे पर अजीब से गड्ढे पड़े हुए थे, आंखें मानो बाहर निकली हुई हों। वो औरत मुझे घूरते हुए उस पेड़ से किसी छिपकली की तरह उतरने लगी। उसको इस तरह से उतरता देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत नीचे भाग गया और मैं कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। कुछ देर बाद ही मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैंने पिताजी को कल रात के बारे में बताया, पर उन्होंने ये कहकर मेरी बातों को टाल दिया कि ये मेरे मन का वहम है और कुछ नहीं। इसके बाद मैंने आसपास के दुकानदारों से और मेरे दोस्त कुलदीप से भी इस बात का जिक्र किया, पर सब मेरी बात सुनकर सक पका जाते थे और कोई कुछ नहीं बताता था। गाँव की एक और बात थी जो मुझे बहुत ही अजीब लगती थी। रात के 8 बजते ही सबको जाने क्या हो जाता था। हर कोई अपने घर की तरफ भागता था और सब घरों में घुस जाते थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता था, कोई बाहर ही नहीं आता था। इस घटना के 2 दिन बाद ही एक शाम मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, राजीव, अपने घर से मैंने कुछ सामान मंगाया था, वो आ गया है, इसलिए तुमको स्टेशन जाना होगा। मैंने हाल ही में कार चलाना सीखा था, इसलिए कार चलाने को मैं ज़्यादा ही उत्सुक रहता था। तो जब पिताजी ने कहा तो मैं तुरंत तैयार हो गया था। उस समय कुलदीप और मैं साथ ही थे, इसलिए पिताजी ने उसको भी साथ ले जाने को कहा था। कुलदीप तैयार हो गया था, पर उसने पिताजी से पूछा, हम लोग 8 बजे से पहले तो आ जाएंगे ना अंकल जी? पिताजी ने हामी भरी। इसके बाद मैं और कुलदीप सामान लेने स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन हमारे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर होगा, पर रास्ता खराब होने की वजह से ज़्यादा समय लगना तय था। वहाँ घर पर दादाजी और पिताजी आपस में बातें कर रहे थे। दादाजी ने पिताजी से मेरे बारे में पूछा कि मैं कहाँ हूँ, काफ़ी देर से दिखाई जो नहीं दिया था। तो पिताजी ने उनको बताया कि उन्होंने मुझे स्टेशन भेजा है। दादाजी पिताजी को डांटने लगे, क्या जरूरत थी इस समय राजदीप को भेजने की? सुबह भी तो भेजा जा सकता था उसे। तुझे पता नहीं है गांव में रात होते ही कितनी बड़ी आफत घूमती है? पिताजी ने पूछा, कैसी आफत पिताजी? दादाजी ने बताया, तकरीबन 2 साल हो गए इस बात को, तू तो था नहीं यहाँ। गांव में एक औरत रहने आई थी, यहाँ के खेतों में मजदूरी का काम करती थी।
एक दिन गांव के तैयब के लड़के हैं ना, अशफाक और जुनैद, दोनों एक नंबर के बदमाश हैं। पूरा परिवार ही गुंडई बदमाशी करता फिरता है। कत्ल, किडनैपिंग, वसूली, यही तो धंधा है उन लोगों का। दादाजी ने पिताजी को आगे बताया। हाँ, तो वो मजदूर लड़की तकरीबन 8 बजे के करीब दुकान से सामान ले रही थी, तभी तैयब के दोनों लड़के वहां आ गए और उस लड़की को छेड़ने लगे। वो लड़की घबरा कर जाने लगी तो तैयब के लड़कों ने उसको जबरदस्ती उठा लिया और कार में डालकर खेत में ले गए, जहां लड़कों ने उसके साथ ज्यादती की। पूरे गांव के सामने उसको उठाया था, पर उन लड़कों के पास बंदूक थी और सब उनसे डरते थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़की को बचा ले। अगली सुबह गांव वालों को लड़की बहुत बुरी हालत में मिली, कपड़े फटे हुए थे, जालिमों ने शरीर से मांस तक नोच लिया था। लड़की ने तड़पते हुए कहा था, जो हाल मेरा हुआ है ना, तुम सबका भी होगा। मेरे साथ ज्यादती हुई और तुम लोग बस देखते रहे, कहर बरपेगा इस गांव पर। इतना कहकर वो मर गई। उसकी मौत को 3-4 दिन ही हुए होंगे कि तैयब के दोनों लड़कों की लाश उस खेत में एक पेड़ पर लटकी मिली। दोनों की लाश का बुरा हाल था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उनकी लाश को खाया हो। इसके बाद तो 3-4 लोगों की लाश ऐसे ही खेतों में मिली, किसने मारा ये तो पता नहीं चलता। सब मान चुके थे कि ये काम उसी लड़की का है। बस उसी दिन के बाद से कोई रात के 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलता। और तुमने राजदीप को भेज दिया? पिताजी को भी सारी बात सुनकर घबराहट होने लगी। उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया। हेलो राजदीप, तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। पर पिताजी, हम तो स्टेशन पहुंच चुके हैं और आने में तो काफी टाइम लगेगा, पर हुआ क्या है? हेलो हेलो राजदीप। हाँ दादाजी। सुनो बेटा, गांव की तरफ आते हुए ही तुमको दाहिने हाथ पर सिद्धेश्वर महाराज का मंदिर दिखेगा, वहाँ जरूर जाना और दोनों जने उनकी भभूत को माथे पर लगा लेना। इसके बाद अचानक से ही कॉल कट गया। कुलदीप और मैं सामान लेकर वापस गांव की तरफ चल दिए। 8 बज चुके थे और कुलदीप घबरा रहा था। तभी रास्ते में सिद्धेश्वर महाराज का मंदिर मिला तो मैंने कार रोक दी। मैं मंदिर में गया और वहां सिद्धेश्वर महाराज की मूर्ति को दंडवत प्रणाम किया और उनकी भभूति को हम दोनों ने माथे पर तिलक की तरह लगाया। और वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़े, एक सन्यासी हमारे सामने था। उन्होंने हमें अभी जाने से मना किया, पर हमें देर हो रही थी इसलिए हमने उनकी बातों को अनसुना किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। हमारी कार पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ी जा रही थी, तभी हमने सड़क के बीचों बीच किसी लड़की को पड़ा हुआ देखा। हमें समझ नहीं आया कि ये कौन है। मैंने कार साइड में लगाई और उस लड़की को देखने उसके पास गया। लड़की के सर पर चोट थी, काफी खून बह चुका था, कपड़े फटे हुए थे, हाथ पांव में भी चोट थी, शायद किसी वाहन से टकरा गई होगी। कुलदीप और मैं उस लड़की को कार में ले आए और हमने सोचा कि इसको गांव के सरकारी अस्पताल में ले चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद पिताजी का फोन फिर से आया। हेलो राजदीप, बेटे कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं? आ रहे हैं पिताजी, वो एक लड़की हमें काफी बुरी हालत में मिली थी, बस उसको अस्पताल छोड़ते हुए ही आ रहे हैं। क्या, कोई लड़की? बेटा बेटा, तुरंत उस कार से निकल जाओ और भाग जाओ, कहीं छिप जाओ। क्या हुआ पिताजी, आप इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हो? बेटा बस तुम दोनों कार से निकल जाओ और भागो। इतने में कॉल अपने आप कट गया। मैंने कार रोक दी और जब पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की गायब थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि जिस हाल में वो लड़की थी उस हाल में उस लड़की का कहीं कार से गायब हो जाना तो नामुमकिन था। तभी हमारी नज़र सामने की सड़क पर पड़ी, वो लड़की हमारे सामने थी और तभी उस लड़की ने बिना शरीर मोड़े अपना मुंह हमारी तरफ घुमा दिया। ये देखकर हमारे होश फाकता हो गए। उस लड़की की आंखें बाहर निकली हुई थी, पूरे शरीर पर घाव और गड्ढे हो रहे थे, उसका शरीर काला पड़ चुका था, मानो वहां कोई लड़की नहीं
बल्कि कोई लाश खड़ी हो। वो लड़की अपने बालों को हिलाते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगी। एक अजीब सी आवाज वो निकाले जा रही थी, जिसको सुनकर हमारा दिल और ज्यादा घबराए जा रहा था। मैंने कार स्टार्ट करने की काफी कोशिश की, पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो लड़की अब कार के काफी करीब आ चुकी थी। हमें लगने लगा था कि आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, पर तभी वही बूढ़े बाबा जो हमें सिद्धेश्वर महाराज के मंदिर पर मिले थे, वो उस लड़की के सामने आ गए और उन्होंने उस लड़की के सर पर हाथ रख दिया, जिसके बाद जाने क्या हुआ, वो लड़की बुरी तरह तड़पने लगी और चिल्लाने लगी और देखते ही देखते गायब हो गई। वो बाबा भी हमारी तरफ मुड़े और हमें देखकर मुस्कराए और वो भी गायब हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अभी क्या हुआ और क्या नहीं, पर फिर मैंने कार स्टार्ट की और इस बार कार स्टार्ट हो गई थी और फिर मैंने कार घर के आगे ही रोकी। घर पर पिताजी ने मुझे वो सब बताया जो दादाजी ने उनको बताया था, और मैंने जब उन्हें साधु बाबा के बारे में बताया जिन्होंने मेरी और कुलदीप की जान बचाई थी, तो दादाजी ने बताया कि वो और कोई नहीं सिद्धेश्वर महाराज ही थे। हमारी जान तो बच गई थी, पर गांव में आज भी 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि सभी को डर रहता है कहीं वो फिर से आ गई तो।